हेलो फ्रेंड्स, मैं सौरभ, न्यू एक्सपेरिमेंट सौरभ यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में छोटे मोटर से साइकिल में लाइट लगाने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, बैटरी लगाने पर काफी जल्दी जो है खत्म हो जाती है और आपको हमेशा चार्ज करना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, आज हम मोटर से लाइट लगाने वाले हैं, आपको इसको चार्ज भी नहीं करना पड़ेगा, अपने आप जो है की जलती रहेगी। तो फ्रेंड्स, चलिए इसकी मेकिंग देखते हैं कैसे बनाया गया, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, इसके लिए हमें दो वायर ले लेना है। आप जो साइकिल से पहले नाप लीजिएगा, फिर यहाँ पे आप दो वायर ले सकते हैं और यहाँ पे हमें जो व्हाइट एलईडी का यूज़ करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें देखिए एक एक वायर को एक एक लेग पे हमें सोल्डर कर देना है। तो फ्रेंड, इसी तरह से हमें देखिए दोनों को सोल्डर कर देना। तो यहाँ पर देखिए हमने दोनों को सोल्डर कर लिया है, आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हमें देखिए यहाँ पर, तो फ्रेंड्स अब देखिए ये जो साइकिल के पीछे लगा होता है लाइट की तरह, इसका हमें देखिए यहाँ पे यूज करना है। और इसको देखिए सोल्डर की सहायता से यहाँ पे हमें पीछे एक साइड होल कर देना है, जहाँ से हम एलईडी को इसमें लगा सकें। तो एलईडी देखिए यहाँ पे अच्छे से फिक्स हो जा रही है। और इस पर देखिए हमें इसके लेगों पर टेप लगा देना है, जिससे कि शॉर्ट न करे। तो यहाँ पर देखिए हम दोनों में इसी तरह से टेप लगा देंगे। तो यहाँ पर देखिए हमने दोनों में टेप लगा दी, अब हमें एक बीच से हमें टेप लगा देना है, जिससे कि मजबूत हो जाए। तो यहाँ पर देखिए हमने इसको अच्छे से कर दिया है। अब हम यहाँ पर देखिए इसको इस तरह से लगाएंगे। तो यहाँ पर लगाने के बाद फ्रेंड्स, अब हम देखिए यहाँ पे ग्लूगन की सहायता से इसको हम अच्छे से फिक्स करेंगे। तो यहाँ पर देखिए आप यहाँ पे फेविकिप का भी यूज़ कर सकते हैं, आप किसी और भी चीज़ का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम इस तरह से इसको फिक्स कर देते हैं। और यहाँ पर देखिए हम नट को निकाल देते हैं। और यहाँ पर देखिए अभी नट को निकालने के बाद हम देखिए दोनों लेगों को बीच से देखिए यहाँ पर हम इसको इस तरह से लगाएंगे। आप देख सकते हैं वीडियो में जैसा आपको दिखाया जा रहा है। और यहाँ पर हम देखिए इस तरह से लगाने के बाद अब हम यहाँ पर नट कसेंगे। तो चलिए अब हम इसको साइकिल में आपको कस के दिखाते हैं किस तरह से इसको हम कसते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं हम आ गए हैं साइकिल की तरफ। यहाँ पर देखिए इसको हम देखिए नट को निकाल देते हैं पहले से। और यहाँ पर हम निकालने के बाद फ्रेंड्स देखिए इसमें हम लगाएंगे। तो देखिए हम किस तरह से यहाँ पर लगा रहे हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, हमें देखिए अच्छे से इसको कर लेना है। और यहाँ पर हमें वायर को पहले निकालना है। तो यहाँ पर देखिए अच्छे से फिक्स हो जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए हम पहले वायर को निकाल लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं हम वायर को निकाल रहे हैं अच्छे से, जिससे कि आपको अच्छे से निकालना है कि इसमें टूटे नहीं। तो यहाँ पे देखिए अब हम इस तरह से करके यहाँ पे देखिए इस तरह से लगाएंगे। तो आप देख सकते हैं, तो फ्रेंड देखिए इस तरह से लगाने के बाद अब हम फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए एक जो है कि यहाँ पर जो देखिए गोल टाइप की रिपीट होती है, उसका हम यूज करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पहले हम नट नहीं लगाएंगे, पहले उसको लगा लेंगे, क्योंकि होल जो है काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। आप इसमें अच्छे से फिक्स कर सकते हैं, अगर आपके पास छोटा होल तो आप उसको बड़ा कर लीजिएगा। और यहाँ पे देखिए हमने इसको अच्छे से फिक्स कर दिया, देखिए अंदर की तरफ हमने नट को जो है कस दिया है। अब हम फ्रेंड्स इन वायरों को जो है कि अच्छे से इस पर लपेट देंगे। तो चलिए हम इसको जल्दी जल्दी लपेट लेते हैं। तो फ्रेंड इसी तरह से आपको भी लपेटना है। तो देखिए हम इसको इस तरह से लपेट रहे हैं। तो इसको हम जल्दी जल्दी लपेट लेते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे देख सकते हैं हम इसको लपेट रहे हैं। तो इसको हमें देखिए अच्छे से लपेट लेना है। और इसको देखिए हम अंदर की तरफ निकालेंगे। इसको निकालने के बाद फ्रेंड्स हम आपको अभी आगे की तरफ से दिखाते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं अब हमें इसको टेप की सहायता से यहाँ पे चिपका देना है। तो फ्रेंड यहाँ पर हम काले टेप का यूज़ कर रहे हैं, जो कि दिखेगा नहीं आपको दूर से। तो फ्रेंड आपकी जिस कलर की साइकिल हो, आप उस कलर का वायर और टेप यूज़ कीजिएगा, जिससे कि आपको दूर से देखने पे पता नहीं चलेगा। तो यहाँ फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हम एक मोटर का यूज़ करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स ये आपको पुरानी जो सीडी होती है उसमें लगा होता है, या आप कोई भी एम्पलीफायर जो होता है बड़ा किट होता है उसमें भी लगा होता है। तो फ्रेंड इस मोटर का हम यूज़ करने वाले हैं, काफ़ी अच्छा जो है कि लाइन देता है। तो यहाँ पर हम एक देखिए पेंट के डिब्बे की सीट लिए हैं। तो फ्रेंड्स ये आपको घर में आसानी से जो है मिल जाएगी। तो यहाँ पर देखिए मोटर की साइज़ का यहाँ पर कट कर लेते हैं इसको। तो इस तरह से आपको भी पतला से कट कर देना, जिससे कि मोटर पे अच्छे से फिक्स हो जाए। तो यहाँ फ्रेंड्स चलिए हम इसको कट कर लेते हैं। तो यहाँ आप देखिए हमने इसको पूरा कट कर दिया, आप देख लीजिए। तो यहाँ फ्रेंड्स आप देख सकते हैं जो है कि अच्छे से इस पे देखिए फिक्स भी हो जा रही है, इसी साइज की है। तो फ्रेंड्स अब हम इसको देखिए सैंड पेपर की मदद से इसको रफ कर देंगे, जिससे कि थोड़ा अच्छा दिखने लगे। तो फ्रेंड यहाँ आप देख सकते हैं हमने इसको रफ कर दिया है, अच्छा थोड़ा इसका लुक जो हो गया है। तो अब हम फ्रेंड देखिए यहाँ पर इस तरह से हम इसको लगाएंगे। तो फ्रेंड देखिए इसको लगाने के बाद हम यहाँ फ्रेंड्स पेंसिल से मार्किंग कर लेंगे। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं साइड में। तो हमें देखिए थोड़ा जो है कि टाइट जो है कि इस पर होल करना है, जिससे कि जो नट कसने के बाद एकदम टाइट हो जाए। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। तो देखिए हम यहाँ पे आप होल कर लेते हैं जल्दी जल्दी। तो चलिए हम आपको होल करके दिखाते हैं, आप कील की सहायता से होल कर सकते हैं, क्योंकि जो ये है कि काफ़ी ज़्यादा पतला है, इसमें आप कील की सहायता से अच्छे से होल कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं हम इस तरह से इसको लगाएंगे। इसको लगाने के बाद हम देखिए एक नट का और बोल्ट का यूज़ कर रहे हैं, आपको जो है कि
छोटे जो स्विच वगैरह होते हैं सॉकेट स्विच, उसमें यूज होता है। तो आप इसको मार्केट से ले सकते हैं, आपको 2-4 रुपये में मिल जाएगा आसानी से। तो यहाँ पर देखिए हम इसको इस तरफ लगा रहे हैं, तो हमने देखिए यहाँ पे पुराना जो है कि यूज़ किया क्योंकि हमारे घर पे पड़ा था। तो यहाँ पे देखिए हम इस तरह से लगा कर इसको अच्छे से टाइट कर लेंगे। आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा मजबूती से हो गया है, अब जो है कि ये हिलेगा भी नहीं थोड़ा सा, क्योंकि हमने इसको देखिए बहुत ही मजबूती से कस किया है। तो देख सकते हैं आप काफ़ी ज़्यादा अच्छे से फिक्स हो चुका है। हम इसमें देखिए टॉय वाली जो छोटी व्हील होती है उसका हम यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए ये जो है कि इसका जो होल है बीच वाला थोड़ा बड़ा है, तो इसमें हम ग्लूगन भर देते हैं अंदर की तरफ। तो आपको जो है यहाँ पे अच्छे से लगाना है कि ग्लूगन जो है कि अंदर की तरफ चली जाए। तो यहाँ पे देखिए हमने अच्छे से लगा लिया है। अब हम जो है कि मोटर के ऊपर थोड़ा सा फेविकिप चिपका देते हैं। तो देखिए जो व्हील है हमारे हाथ पर चिपक चुकी है, तो यहाँ पर देखिए हम फेविकिप की लगा देंगे तो और भी ज़्यादा मजबूती से हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए हम इस तरह से लगा देते हैं और देखिए यहाँ पे बहुत ही अच्छा से वर्क कर रहा है और ये पूरा हो चुका है। चलिए हम साइकिल में इसको लगाते हैं अब। तो यहाँ पर देखिए हम आ चुके हैं साइकिल की तरफ। अब हम देखिए यहाँ पे इसको लगा देते हैं इस तरह से। तो अभी हम आपको बताते हैं इसको कैसे लगाना है। तो देखिए जो है कि टायर में टच हो रहा है, तो देखिए इस तरह से वर्क करेगा आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड देखिए इस तरह से हमें इसको लगाना है। तो सबसे पहले हम देखिए यहाँ पर नीचे जिस तरह से हमने ऊपर होल किया था उसी तरह से हमें नीचे भी यहाँ पर देखिए टाइट की तरह से आपको टाइट होल कर देना है। तो यहाँ पर देखिए हमने इसको देखिए दोनों तरफ होल कर दिया है आप देख सकते हैं। अब हम इसको देखिए इस तरह से लगाएंगे, आप भी इस तरह से लगा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम इस तरह से लगाने के बाद इसमें जो है कि नट अब हम कस देंगे। तो यहाँ पर देखिए पहले आपको देख लेना कि अच्छे से वर्क कर रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर देखिए वर्क कर रहा है। अब हम देखिए इसको नट में यहाँ पर लगाकर इसको नट को कस देते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं हम इस तरह से इसको नट को लगाएंगे। नट लगाने के बाद हम इसको देखिए पेचकस की सहायता टेस्टर की सहायता से हम इसको अच्छे से टाइट कर देंगे। तो इस तरह से आपको भी टाइट कर लेना। चलिए हम टाइट करके आपको दिखाते हैं। देखिए यहाँ पे हमने पूरा जो है कि इसको अच्छे से कस दिया है, आप देख लीजिए एकदम पूरा अच्छे से हो चुका है। तो इसी तरह से आपको भी टाइट कर देना है। तो अब देखिए जो दो वायर हमारा पीछे वाला बचा था लाइट का, तो अब हम देखिए इसको हमने पहले से चेक कर लिया कौन सा प्लस है और कौन सा माइनस। तो आपको माइनस माइनस में जो है कि जोड़ देना है, आपको जो है कि जो व्हील है उसकी साइकिल की उसको चला कर देख लेना है कि ये कैसे चल रहा है, आपको उसी तरह से कनेक्शन करना है, नहीं तो बाद में आपको दिक्कत होगी। तो फ्रेंड्स इस तरह से लगाने के बाद हम देखिए इसको टेप भी हमने लगा दिया है, हमने देखिए माइनस माइनस जोड़ दिया। अब हम इस पर टेप लगा देंगे कि ये अच्छे से यहाँ पे पड़ा रहे। तो यहाँ पे देखिए हमने इसको अच्छे से टेप लगा दिया है, इसी तरह से आपको भी यहाँ पे लगा लेना है। तो देखिए हमने इसको पूरा कंप्लीट कर दिया है। अब हमने देखिए ऊपर वाला जो वायर था उसको भी हमने देखिए थोड़ा सा जोड़ लिया है काला वाला, तो इसको देखिए हमने छील भी लिया। तो देखिए यहाँ पर हमने इसको जोड़ा था जो कि एक वायर जो छोटा था। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमने दोनों को इस तरह से कर लिया है। तो और हमें देखिए यहाँ पे एक स्विच लेना है, आप कोई भी स्विच का यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो इस स्विच में आप देख सकते हैं जो दो वायर आपको दिख रहे हैं, एक रेड वाला वायर और जो एक हमने ब्लैक वाला वायर छोड़ा था उसको देखिए हमने दोनों को देखिए जोड़ लिया है। इस तरह से आपको भी जोड़ लेना है और इस पर हम देखिए टेप लगा देंगे जिससे कि शॉर्ट ना करे। आपको इसी तरह से देखिए दोनों पे जो है कि टेप लगा देना अच्छे से। तो यहाँ फ्रेंड्स हमने दोनों को लगा दिया, हम देखिए इसको इस तरह से फिक्स करेंगे। आप इसके देखिए उस साइड भी लगा सकते हैं जिससे कि आपको किसी को दिखेगा नहीं। तो यहाँ पे हम देखिए फेविकिप पहले लगा लेते हैं और यहाँ पे देखिए हम इस तरह से इसको चिपका लेंगे। तो यहाँ पे देखिए हम चिपका लेते हैं इस तरह से और यहाँ पे हम देखिए एक टेप का यूज करने वाले हैं जिससे कि और थोड़ा मजबूत हो जाए। इस पर आपको जितना भी चाहें आप टेप लगा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम इस तरह से इसको फिक्स हमने कर दिया है फ्रेंड्स, आप देख लीजिए, आप देख लीजिए काफ़ी अच्छे से दिख रहा है। हमने देखिए इसको ऑन भी कर दिया है, इस तरफ रहेगा तो ये ऑन रहेगा। तो चलिए अब हम देखिए इसको हमने ऑन किया है, आपको फिर से बता देते हैं। तो चलिए हम आप इसको देखिए टेस्ट करके आपको दिखा देते हैं दिन में, फिर अभी हम आपको रात में भी दिखाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दिन में कैसा दिख रहा है। तो देखिए दिन में भी काफ़ी ज़्यादा तेज़ आपको रोशनी और दिख रही है। अभी देखिए साइकिल की जो है व्हील और चलाने में देखिए काफ़ी ज़्यादा गजब दिख रहा है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं इसकी ब्राइटनेस भी काफ़ी ज़्यादा है, आप देख लीजिए। और यहाँ पर देख सकते हैं ये जो व्हील है ये भी काफ़ी अच्छे से देखिए वर्क कर रही है और तेज़ भी चल रही है। तो यहाँ आप देखिए आप जितना इसको रफ्तार से चलाएंगे उतना ही ज़्यादा जो है कि ब्राइटनेस और बढ़ती जाएगी इसकी। तो इस तरह से देखिए आप देखिए जो है कि इसकी रफ्तार थोड़ा धीमी हो रही है, इसलिए देखिए ये जो लाइट भी थोड़ा धीमी हो रही है। तो फ्रेंड्स अब हम चलिए आपको रात में दिखाते हैं रात में इसका लुक कैसा दिखता है। तो फ्रेंड यहाँ पर आप देख सकते हैं रात में जो है और भी ज़्यादा गजब जो है दिख रहा है। तो फ्रेंड्स आप देख लीजिए काफ़ी ज़्यादा गजब दिख रहा है। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए फ्रेंड्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पे आपको हमेशा नई नई वीडियो मिलती रहती है। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं आप काफ़ी ज़्यादा गजब दिख रहा है। तो यहाँ पे देखिए बंद हो चुका है।
तो फ्रेंड्स वीडियो कैसे लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पे आपको हमेशा नई नई वीडियो मिलती रहती है। फ्रेंड्स चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।